रमजान उल मुबारक के चांद का दीदार होने के बाद से शनिवार को पहला रोजा रखकर रोजेदारों ने लॉकडाउन के बीच सारी इबादत घरों में शुरू कर दी है। ऐसे में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी रोजेदारों धर्मगुरुओं से यह अपील कर रहा है कि इस पाक माह में वायरस के संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए अपने अपने घरों में ही रहें और सहरी और रोज़ा इफ्तार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही करें। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, रमजान के संबंध में एक बैठक अभी दो दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट साहब ने और SSP साहब ने ले ली है। सभी धर्मगुरुओं की अवगत करा दिया गया है कि आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का प्रॉपर पालन करना है और आपके रोज़ा खोलने की सामग्री जैसे खजूर है, सेवई है, फ्रूट्स हैं, ये आपको सब्जी के उसके फलों के ठेले के माध्यम से घर घर पहुंचा दिए जाएंगे। किसी को भी घर से बाहर आने के लिए आवश्यकता नहीं है। सर, आज अखबार में एक स्टैंड का था कि सभी दुकानें खुलेंगी और कुछ लोग दुकानें खोलने पहुँच गए, लेकिन ऐसा है, अभी शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन को पूर्णतः पालन किया जाए, इसलिए जीवन की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही अभी खुली रहेंगी। इस संबंध में जो भी निर्देश सीनियर ऑफिसर्स के मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। नहीं, सभी लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों से ही अपने सभी धार्मिक कार्यक्रमों को करें और कोई भी बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। और सभी लोगों से अपील में उनसे काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और सभी धर्म के धार्मिक गुरुओं से भी इस बात की अपील कराई गई है कि वे अपने अपने अनुयायियों को इसके बारे में जागृत करें और सभी जगह से अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ। सभी नगर क्षेत्र में जो सभी थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी, उनको क्या निर्देश दिए? नहीं, सभी जो हैं लगातार लॉकडाउन के अनुपालन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पिकेट लगाई गई हैं, सभी थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी मोबाइल होकर अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं।